अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 35, 49 एंड 63 का बाय डिवीजन मेथड। जब भी हम एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे होते हैं किसी भी वैल्यू का, तो उन्हें हमें एक साथ ही डिवाइड करना होता है और कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और डिवाइड हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो एलसीएम फाइंड आउट करना है इस वक्त, वो हमें फाइंड आउट करना है 35, 49 एंड 63। तो हमें सबसे पहले चेक करना है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, जो कि हमारे पास 2 है, कि इनमें से कितनी वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 तो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ना ही किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर है और ना ही 0, यानी कि इनमें से कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हैं उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो ही वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। जैसे कि अगर हम 3+5 करें वो बनेगा 8, 83 का मल्टीपल नहीं है यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 9+4, 4+9 करेंगे वो बनेगा 13, 13 भी 3 का मल्टीपल नहीं है यानी कि ये वैल्यू भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 6+3 करेंगे तो वो बन जाएगा 9, 9 3 का मल्टीपल है यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और जो वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती उनको हम पहले ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 3 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 2 पे और 3 भी बिल्कुल आता है 1 पे। 21 अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, इसे 3 से ही डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो रही उन्हें हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें 35 जो है वो 5 से डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। 49 5 से डिवाइड नहीं हो सकता और ये वाला 7 भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसे हमें ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू 5 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 7, और यहाँ हमें तीनों वैल्यू 7 से डिवाइड होती हुई नजर आ रही है क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, 49 आता है 7 पे और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। अब हमारे पास ये एक 7 है, इसे भी हमने 7 से ही डिवाइड करना है। 2 हमारे पास वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं, 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास तीनों वैल्यूज कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी हैं। अब हम इजीली इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम इन तमाम को प्राइम नंबर्स को जिनसे हमने तीनों वैल्यूज को एंड तक डिवाइड किया है उन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चलो हम जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 3 × 5 × 7 × 7 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। 45 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, वो हम रफक में करके देख लेते हैं। 45 × 7, 7 × 5 = 35 का 5, 3 कैरी, 7 × 4 = 28, 29 30 and 31, 315 आया। इसे हमें एक और बार मल्टीप्लाई करना है 7 से, वो हम यहीं कर लेते हैं। 7 × 5 = 35 का 5, 3 कैरी, 7 × 1 = 7, +3 10 का 0, 1 कैरी, 7 × 3 = 21, +1 = 22। मीन्स हमारे पास ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल 35, 49 और 63 का आ चुका है, जो कि है 2205। देखा आपने कितनी जल्दी से बाय डिवीजन मेथड हमने जो है एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।